कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत होंगे। आज आपकी खिदमत में फिर लेकर आई हूँ एक न्यू सिंपल सी आसान सी रेसिपी, चिकन करी की। चलिए इसके इंग्रेडिएंट बता देते हैं। इस चिकन को अच्छे से धो के हमने साफ कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच डालेंगे हम पिसी हुई लाल मिर्च, एक टेबल डालेंगे हम इसके अंदर हल्दी पाउडर। देखिए इसमें हम दही का पानी हमने निकाल लिया है। एक चम्मच हम वो डालेंगे इसमें दही का। अब इसमें एक चम्मच हम डालेंगे इसमें नमक। ये एक चम्मच अदरक का पेस्ट, एक चम्मच हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा सारा मसाला चिकन में मेरीनेट हो। चिकन हमने इसके अंदर मसाला लगा दिया है इसके अंदर। चलिए अब इसकी हम इसके लिए मसाला बनाते हैं। ग्रेवी के अंदर जो हमें डालना है मसाला बनाना है इसका, ये हम 2 किलो चिकन के हिसाब से लेंगे। ये 2 चम्मच हमने ये धनिया ले लिए हैं। ये जीरा लिया है हमने 1 चम्मच। हमने काली मिर्ची लिए हैं 20 से 25। हमने ये काली मिर्ची ली है। हमने ये 5 से 6 हमने ये छोटी इलायची ली है। टुकड़ा हमने ये दालचीनी का लेंगे, इसे हमने एक तोड़ लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। इस मसाले को हम सारा मसाला हमने निकाल लिया है। अब इस मसाले को जब ये ठंडा हो जाएगा इसको हम पीस लेंगे। इसमें हम डालेंगे प्याज, इसको ज़्यादा गलाना नहीं है। लिए इसका मसाला पीसेंगे, इसका पाउडर इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये हमने 20 से 25 हमने बादाम लिए हैं, ये भी हम डाल देंगे इसमें। मसाले इसको इतना ही। अब इसको हम निकाल लेते हैं, इसको हम पेस्ट बना लेंगे। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है, अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। जब ये अपनी अब इसके इसी के अंदर हम अपनी चिकन को डाल के हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए चिकन को। इसको अच्छा सा हम सेक लेंगे कलर आने तक, ज़्यादा गलाना नहीं है सर, इसके अंदर कलर लाना है हमको। इसको अलग पलट के रखते हैं, देखिए कलर आ गया था। हम इसको ऐसे ही कलर लाना है हमको, सबको ऐसे अलग पलट कर देंगे। अब चिकन को निकाल लेते हैं। देखिए ये देखिए हमें सारा चिकन को ऐसे ही करके फ्राई करके अच्छे से हमने बीट कर लिया है। अब इसके अंदर हम मसाले मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च को हमने चिकन के अंदर डाल दिया था, ज़्यादा नहीं डालना हमको, नहीं तो मिर्चें तेज़ हो जाएंगी।
दो चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर के, आधा चम्मच हम और डाल देंगे। ये दही के अंदर हम मसाला एक टेस्पून हम हल्दी डालेंगे इसके अंदर, नमक एक चम्मच हमने नमक का दिया है, नमक एक चम्मच हमने नमक कपड़े में डाला था चिकन में, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। मसाला इसमें मिक्स करके बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बना, सारा मसाला अच्छे से फूल भी जाता है इसमें दही में। लाल मिर्च एक चम्मच डालेंगे, अदरक का पेस्ट और एक चम्मच डालेंगे इसमें लहसुन का पेस्ट। लहसुन अदरक हमने चिकन में भी डाला था मैरिनेट करने के अंदर और इसमें भी हम डाल देंगे। हमने भुना था इस मसाले का, हमने अच्छे से फाइन पाउडर बना लिया है, इसको हम बाद में डालेंगे। अब हम इसके अंदर अपनी करी बनाने की तैयारी करते हैं। चिकन हमारे इतने वहाँ पर फ्राई हो गया है, इसमें डालेंगे हम तेल, तेल गर्म हो जाएगा तो इसको हम प्याज और बादाम जो हमने पीसे थे भून के पीस लिए थे इसकी प्योरी बना ली है, अब हम इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से भून लेते हैं। ठीक है, मसाला हमारा अच्छे से बन जाएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही, ये जो मसाला हमने मैरिनेट करके रखा था इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। सारा मसाला इसमें दस से 15 मिनट के लिए हम इस मसाले को अपने भूनेंगे। इसके हमने लीड लगा दिए, मसाला हमारा बहुत अच्छे से ही भून रहा है ये। अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन, ये चिकन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको भूनेंगे, अमचूर पाउडर है इसको हमने आधा टेस्ट किया था, इसके अंदर हम इसको पानी में भिगो के हमने डाल दिया था, भिगो के रख दिया था, अब इसको भी हमने डाल दिया है इसमें। अभी इसको हमें भूनना है, चिकन अभी हमारा कच्चा है। इस स्टेप पे आके हम जो ये मसाला जो हमने भूना था मसाला डाल देंगे। ये देखिए जो मसाला हमने भूना था उस मसाले को भी इसमें हम डाल देंगे। अभी हमने 2 चम्मच डाले हैं, थोड़ा सा हम इसको बाद में डालेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चिकन करी हमारी बनके बहुत अच्छी तैयार होगी। आप भी हमारे तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी चिकन करी।
अभी हम इसको 10 मिनट के लिए और रख देते हैं लिड लगाकर। 10 मिनट बाद फिर इसको हम चेक कर लेंगे। अभी हमारा चिकन कच्चा है। इतने हम ये जो हमने चिकन रखा है इसमें हम ये 3 से 4 हम हरी मिर्च, 3 हरी मिर्ची थी हमने बड़ी साइज़ की, उसको हमने बीच में से कट कर लिया। ये भी हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम ढककर रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तो हमारा हरी मिर्ची भी गल जाएंगी और हमारा चिकन भी गल जाएगा। चेक कर लेते हैं चिकन हमारा गला ही नहीं गला। देखिए चिकन हमारा गल गया है। गैस का फ्लेम को हमने हल्का कर दिया है। अब इसको हम भूनेंगे अच्छे से। विश टेप पान के हम डालेंगे। ये हमने दूध लिया है, दूध की मलाई ली है और दूध लिया है। ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इसको। अब इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसके अंदर। डिश आउट कर लेते हैं। चलिए हम डिश आउट कर लेते हैं। चिकन करी बन के हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन आप ज़रूर दबाइएगा। आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लेकर आऊँगी एक न्यू सिंपल सी आसान सी रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।